स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कॉमर्स इजी। आज हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हम दो अप्रोचेस के अंडर पढ़ेंगे। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच गिवन बाय जेआर हिक्स। तो अल्फ्रेड मार्शल ने यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कार्डिनल वैल्यूज दी हैं और जेआर हिक्स ने यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्डिनल वैल्यूज दी हैं। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो है यूटिलिटी। क्या होती है यूटिलिटी? देखो, जब भी आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं और उस कमोडिटी के कंजम्पशन से जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी मीन्स वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। जिस कमोडिटी में वो पावर होती है जिससे हमारी वन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे इस कमोडिटी में यूटिलिटी वैल्यू है। सपोज यू आर वेरी थर्स्टी। When you are given a glass of water, your thirst goes on decreasing. It means this glass of water has utility. आप बहुत भूखे हैं, आपको जबरदस्त भूख लग रही है। जब आपको चपाती दी जाती है खाने के लिए तो आपकी भूख कम हो जाएगी। इसका मतलब चपाती में वो वैल्यू है, वो पावर है जिससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई। तो समझ में आया यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी मींस वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। सपोज आपने आइसक्रीम खाई, आपने कहा मजा आ गया। जो आपने कहा वर्ड मजा आ गया, जो सेटिस्फेक्शन आपको डिराइव हुआ है, इसे हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कहेंगे यूटिलिटी। यहाँ हम सेटिस्फेक्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे, मजा वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे यूटिलिटी। तो क्या आप यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन न्यूमेरिकल वैल्यूज? जब मैं आपसे पूछती हूँ आइसक्रीम खाने के बाद आपको कितना मजा आया, तो आप कहेंगे कि बहुत मजा आया या आप कहेंगे कम मजा आया। क्या आप बता सकते हैं कि कितना मजा आया, यानी एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में? 10, 20, 30, 40, 50? नहीं, हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने कहा कि यस, वी कैन एक्सप्रेस यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल वैल्यूज। उन्होंने यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म दी, यूटिल्स। यूटिल्स वो टर्म होती है, वो स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिससे हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। तो क्या होती है यूटिल्स? यूटिल्स मीन्स द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर यूटिलिटी, वो यूनिट जिससे हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। समझ में आया? नाउ यूटिलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरी होती है टोटल यूटिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ गिवन कमोडिटी। इसका मतलब क्या हुआ? जब आप मोर देन वन यूनिट कंज्यूम करते हैं तो आपको कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिलती है। तो एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे तो हर नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा। ये हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखो, आपको सपोज बहुत जबरदस्त भूख लगी है तो हम जाते हैं उद्दुबी। उद्दुबी जाकर हम डोसा ऑर्डर करते हैं। जब आप पहला डोसा कंज्यूम करते हैं तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो यूटिलिटी मिलती है, वो मिलती है इक्वल टू 6 यूटिल्स। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत जबरदस्त भूख लग रही है तो यहाँ हम लेते हैं 6 यूटिल्स। ये इमेजिनरी लिया है मैंने, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 10, 20, 30, वट एवर इट मे बी। मैंने सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर लिया है 6 यूटिल्स। ठीक है, अब आपके लिए सेकंड डोसा ऑर्डर करते हैं,
तो जो सेटिस्फेक्शन आपको फर्स्ट डोसे के कंजम्पशन से मिला था वो सेकंड डोसे के कंजम्पशन से नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका पेट भरना शुरू हो गया है। तो यहाँ आपको सपोज मिलती है 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन। जैसे ही आप तीसरा डोसा कंज्यूम करते हैं तो आपका सेटिस्फेक्शन और कम हो जाता है, दैट इज इक्वल टू 2 यूटिल्स। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि जब आप बहुत भूखे होते हैं और खाना शुरू करते हैं तो जब आप पहला डोसा खा रहे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा, और धीरे धीरे जब आपका पेट भरना शुरू हो जाएगा तो आपको वो मजा नहीं आएगा जो पहले डोसे में आया था। फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन किया था उस समय आप जबरदस्त भूखे थे तो वहां आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। जैसे जैसे आपने कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया आपका सेटिस्फेक्शन डिक्लाइन होना शुरू हो गया, और एक समय वो आता है जब आप टोटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो वहां आपको आगे रिक्वायरमेंट नहीं होती है मोर कंजम्पशन की। तो ये है जब आपके लिए फोर्थ डोसा ऑर्डर किया जाता है तो आपको यहाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है इक्वल टू 0 यूटिल्स, क्योंकि यहाँ आप कह रहे हैं कि नहीं बस और मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता हूँ। तो यहाँ आप खाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है क्योंकि आप बिल्कुल आपका पेट भर चुका है, तो यहाँ आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपको जबरदस्ती एक डोसा और खिला देती हूँ, मैं आपके लिए एक डोसा और ऑर्डर कर देती हूँ, तो यहाँ आपका सेटिस्फेक्शन नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव में चला जाएगा कैसे? अगर आपने जबरदस्ती और डोसा खाया तो आपको उल्टी हो सकती है, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, आपको नेगेटिव सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ता गया हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती गई। क्लियर? तो अब मैं आपको बताती हूँ टोटल यूटिलिटी। देखो दूसरी टर्म आती है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? टोटल यूटिलिटी मीन्स सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सम का मतलब क्या होता है? टोटल। देखो इसमें क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो भी हमने ऑब्टेन्ड की है फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, उनको हम जोड़ते जाएंगे तो उससे हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? ये टोटल होता है, सम होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। तो हम इसको दिखाते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा। हम सिग्मा यूज करते हैं टोटल की जगह सिग्मा mu, ये इसका फॉर्मूला है। देखो इसी एग्जांपल पर हम दोबारा आते हैं। जब आपने फर्स्ट डोसा कंज्यूम किया तो आपको टोटल यूटिलिटी फर्स्ट डोसे पर मिली थी इक्वल टू mu, यानी जो हमारा 6 यूटिल्स था वो 6 यूटिल्स ही हमारी टोटल यूटिलिटी पर होगा। जब आपने सेकंड डोसा कंज्यूम किया तो देखो पहले पर हमें कितनी मिली थी यूटिलिटी? 6 यूटिल्स, और दूसरे पर कितनी मिल रही है? 4 यूटिल्स। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमें मिलेगी इक्वल टू 10 यूटिल्स। क्लियर? अब जैसे ही हम तीसरा डोसा कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को प्लस कर देंगे, 6 + 4 + 10, तो यहाँ हमें मिलेगी यूटिलिटी इक्वल टू 12 यूटिल्स। और जब हम फोर्थ डोसा कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ हम चारों को प्लस कर देंगे, इन चारों को प्लस कर देंगे तो 6 + 4 + 2 + 0, तो यहाँ हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो 12 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ हमें एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा, हमारा पेट बिल्कुल भर चुका है। तो यहाँ हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो इक्वल टू 12 यूटिल्स ही मिलेगा। और जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव सेटिस्फेक्शन में आ जाती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी हमेशा डिक्लाइन होती है। तो ये जब फिफ्थ डोसा हमने खाया तो हमें टोटल यूटिलिटी कितनी मिली? जो हमारा यहाँ टोटल आ रहा है उसमें से -2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 यूटिल्स। क्लियर? अब इसको ग्राफिकली हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखो सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं एक्स बेसिस और वाई बेसिस का। एक्स बेसिस पर हम यूनिट्स दिखाएंगे और वाई बेसिस पर हम यूटिलिटी। तो पहले हम लेते हैं यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी विद mu। अब देखो हमने जब फर्स्ट डोसा कंज्यूम किया था तो हमें सेटिस्फेक्शन मिला था इक्वल टू 6 यूटिल्स, तो हमारी mu थी 6। दूसरे पर हमारी mu कितनी हो जाती है? 4।
और जैसे ही तीसरा डोसा कंज्यूम करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी और डिक्लाइन हो जाती है इक्वल टू टू। फोर्थ डोसे पर क्या होता है कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। इस जीरो लेवल को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ये ऐसा पॉइंट होता है जहां हमें कोई भी सेटिस्फेक्शन डिराइव नहीं होता। और अगर हम आगे और कंज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ देखो हमारा ये फिफ्थ पॉइंट आ जाता है। अगर हम फिफ्थ डोसा कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो एमयू है वो नेगेटिव में आ जाती है। क्लियर? तो ये हमारा कर्व आता है डाउनवर्ड, ये हमारी एमयू आती है डाउनवर्ड कर्व। तो अब बात करते हैं टीयू की। टीयू को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब हमने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की है तो हमारी टीयू थी सिक्स यूटिल्स, तो ये हमारी टीयू सिक्स यूटिल्स है। सेकेंड यूनिट के कंजम्पशन पर टीयू बढ़ जाती है, टीयू हो जाती है 10 यूटिल्स। जैसे ही थर्ड यूनिट कंज्यूम की जाती है तो टीयू बन जाती है 12 यूटिल्स। फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन पर भी टीयू 12 यूटिल्स ही रहती है। यहाँ टीयू इंक्रीज नहीं होती है, यहाँ कांस्टेंट रहती है, वहाँ वो फिक्स हो जाती है। और अगर हम आगे और कमोडिटी कंज्यूम करते हैं और यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमारी टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग, तो यहाँ पर हमारी जो टीयू है वो हो जाती है 10, तो ये हमारा डिक्लाइनिंग पॉइंट आ जाता है। क्लियर? तो इन दोनों को दिखाने के लिए हमारे पास तीन रिलेशन बनते हैं। देखो पहला पॉइंट आता है एमयू फॉल्स। देखो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये फॉल्स हो रही है, लेकिन ये पॉजिटिव है। जब मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स होती है तो क्या होता है? टीयू इंक्रीजेस। देखो यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी फॉल हो रही है और टीयू इंक्रीज हो रही है। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड इज व्हेन एमयू इज जीरो टीयू इज मैक्सिमम। देखो एमयू कहाँ है? एमयू हमारी यहाँ जीरो है, तो यहाँ हमारी टीयू क्या है? मैक्सिमम है। और थर्ड रिलेशन आता है व्हेन एमयू इज नेगेटिव टीयू फॉल्स। यहाँ क्या होता है कि हमारी एमयू नेगेटिव हो जाती है, तो यहाँ हमारी टीयू स्टार्ट्स फॉलिंग। तो इन तीन रिलेशन में हम इन दोनों को एक्सप्रेस करते हैं। होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, क्या टीयू होती है, क्या एमयू होती है, क्या यूटिलिटी होती है। सारे कंसेप्ट आपको होपफुली अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और कैसे मैंने ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लूंगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, थैंक यू।